जय हिंद, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजे स्टडी बाइटी पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 2023 सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, जो बच्चे रिजल्ट को लेकर इंतजार करते उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट। और यहाँ पर आपका मैं बताना चाहता हूँ, फाइनली आपका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ रिजल्ट कैसे चेक करना है। कोई ये फेक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, पहले बताता हूँ सब कुछ आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। और साथ में सभी राज्यों का कट ऑफ किया गया है, वो सब चीज़ें। पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है, नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे, बाद में कमेंट करते रहोगे कैसे चेक करें, क्या करें, सब चीज़ें। तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखो और सब कुछ मैं बताया हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल बटन दबाकर, ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले साथियों, यहाँ पर जो बच्चे का आज से नहीं, जब से एग्जाम दिए थे तब से ही लगातार कमेंट करना स्टार्ट करते हैं सीआरपीएफ प्लेसमेंट का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बीएसएफ प्लेसमेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है 2 दिन पहले ही, और सीआरपीएफ प्लेसमेंट का एक और बाकी है। तो सोचोगे कहीं ना कहीं सीआरपीएफ प्लेसमेंट के जो बच्चे इंतजार कर उनका इंतजार, तो फाइनली 2 दिन बाद रिजल्ट आया, यानी परसों सीआरपीएफ बीएसएफ प्लेसमेंट का रिजल्ट आया था और आज सीआरपीएफ प्लेसमेंट का रिजल्ट आ गया। तो कहीं ना कहीं 2 दिन के बीच में सब कुछ हो गया। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बात कर लेता हूँ, एग्जाम से दिए तो तब से कमेंट लगातार आ रहे थे सीआरपीएफ प्लेसमेंट का रिजल्ट कब आएगा इस सब के बारे में। बहुत बच्चे परेशान थे, इन्हें कोई लेटेस्ट अपडेट बताइए, बहुत लोगों का बच्चे मन में डाउट था। तो फाइनली उनका जो डाउट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और साथ में आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, सभी राज्यों का कटअप भी हमारे पास आ चुकी है, सभी राज्यों का कटअप भी आ चुका है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, पहले देखते हो। सबसे पहले साथियों आपका मैं बात कर लेता हूँ कटअप को लेकर, सबसे पहले कटअप बात कर लेता हूँ, उसके बाद रिजल्ट को लेकर। क्योंकि साथियों बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे आंसर किए आने के बाद, हाँ कि मेरा 62 नंबर है, मैं पास हुआ कि नहीं हुआ, मेरे कट ऑफ से 3 नंबर कम रह जा रहा है, 5 नंबर कम रह जा, इस प्रकार से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे। तो देखो भाई, पहले आपको मैं बताना एक चीज़, आप सभी खुशखबरी बता देता हूँ, जब आपने आंसर की चेक किया था वो आंसर की के बेसिक पर आपका रिजल्ट नहीं बना है। जो आपने आंसर की, आंसर के माने जब 62 नंबर है तो 62 नंबर के बेसिक पर आपका रिजल्ट नहीं बना है। सबसे पहले ये मैं बताता हूँ और कैसे है वो पहले जान लीजिए। क्योंकि साथियों इस बार होने वाला है नॉर्मलाइजेशन की, यानी कहने के अर्थ सीधा समझो कि नंबर आपका इंक्रीज किया जा रहा है, किस बच्चों का इंक्रीज किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है वो पहले समझ लो, उसके बाद आगे बात करता हूँ रिजल्ट कैसे चेक करना है वो पहले। नॉर्मलाइजेशन साथियों वो पहले बताता हूँ कैसे होता है वो पता। मान लीजिए आपका जब एग्ज़ाम दे रहे थे, मान लीजिए 45 नंबर कोई क्वेश्चन था, 45 नंबर कोई क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड था, थोड़ा टफ था, जानते हो कि कट ऑफ जाता है इसलिए लोग बहुत कम ही अटैम्प्ट करते हैं, तो यानी 95% लोग अटैम्प्ट नहीं किए और 5% अटैम्प्ट किए, और आपने अटैम्प्ट किया 5% में आपका, और आपका सही हो गया, तो मान के चले कि जहाँ पे आपका 3 गुना नंबर मिलने लगता है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक हो जाता है, मान जहाँ पे 3 नंबर मिल रहा है वहाँ 9 नंबर 12 नंबर 15 नंबर तक मिल जाता है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा खतरनाक तरीका का फ़ायदा। और यहाँ तक कि 1 नंबर के लिए बच्चे बहुत पीछे चल जाते हैं, तो 3 नंबर तक मिल जाता है, तो उस बच्चों के लिए 5% 10% के अंतर्गत जो आते हैं उन सभी के लिए। तो इस चीज़ की खुशखबरी है उन बच्चों के लिए। तो और साथ में आपको बताता हूँ यही चीज़ बेसिक पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाए, आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपका कितना नंबर बन रहे हैं और आपका रिजल्ट में नाम है या फिर नहीं है। सबसे पहले बताता हूँ साथियों, अब बताता हूँ आपका कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ किया जा रही है हर एक राज्यों का। सबसे हाई जो कट ऑफ गया साथियों, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और राजस्थान हो गया, और दिल्ली हो गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है इस बार, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, इन क्षेत्रों में। इसको बोला जाता है रेड जोन भी बोला गया है, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ गया इस बार का, जो कट ऑफ हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है, सब लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन अभी जो अपडेट नया निकल के आ रही है उसमें रियल कट ऑफ बताया गया है। जो रियल कट ऑफ है सब, तो यहाँ बताता हूँ आपको, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर जो कट ऑफ इस बार का रखा गया है वो है 65 से 70 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए, इन राज्यों के लिए जिस राज्यों के मैंने ये नाम लिया था। और ओबीसी के लिए साथियों है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 60 से 65 के बीच में, 60-65 इसका नंबर रहेगा, उसका सिलेक्शन पक्का, 65 ऊपर जनरल फाइट कर रहा है। और एससी एसटी के लिए नॉर्मल कट ऑफ है, सेम टू सेम कट ऑफ है एससी और एसटी के लिए, यहाँ पर एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ रखा गया है यहाँ पर 55 से 60 के बीच में। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सबको लोगों का बोझ और लोगों का बेनिफिट भी देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिला है, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ रखा गया। लेकिन साथियों यहीं पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे लोएस्ट कट ऑफ का है वो पहले देख लो, तमिलनाडु हो गया साथियों, तमिलनाडु, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, और मतलब दक्षिण का जो साउथ का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में
बहुत कम कट ऑफ गया है, बहुत सबसे लोएस्ट कट ऑफ वहाँ पर सतो जो कट ऑफ है 33 नंबर के आसपास गया है एवरेज, यानी यहाँ पर बता तो 35 से 40 के बीच में 35 से 40 बीच में जनरल कैटेगरी का है, और यहाँ पर 33 से प्लस जो है यहाँ पर 33 से 38 के बीच में OBC का है, SC ST का यहाँ पर 30 से 35 के बीच में है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत बेनिफिट देखने को मिला है, लगभग एक तरह से मान के चले तो दोगुना का अंतर पड़ गया है इन सभी राज्यों के अगर मित्र मिलाया जाए तो। तो यही थी आपके कट ऑफ, तो आपने कट ऑफ किस राज्य से बिलोंग करता है मार को सब कुछ बता देना कमेंट में। तो यहाँ पर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हो, जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं कट ऑफ डाल चुका हूँ, तो जाकर देख लेना। और साथ में आप सभी को मैं बताता हूँ साथियों रिजल्ट को लेकर जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए। और यहाँ पर जो अगर बच्चे को कमेंट करोगे जम्मू कश्मीर से तो उनका एवरेज कट ऑफ है, जिन राज्यों का भी नाम नहीं पकड़ा गुजरात हो गया, उनका एवरेज कट ऑफ है, न ज़्यादा हाई है न ज़्यादा लो है, तो यानी 45-50 के बीच में आसपास कट ऑफ है, 55 तक के आसपास कट ऑफ रखा गया। तो ये चीज़ है, क्योंकि बारीकी से पर राज्य को बताना होगा तो भाई समय भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग शायद देखना भी ना पसंद करते। नीचे कमेंट में है, नीचे पिन किया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए AJ Study YT। अब चलिए मेन टॉपिक की बात है, आपका रिजल्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। तो साथियों आपका रिजल्ट जो है फाइनली आउट हो चुका है, ये सच बात है, बट अभी तक ऑफिशियल साइट पर देखने को नहीं मिला है, ये बात है। आपको कब मिलेगा, कैसे चेक करना पहले बताता हूँ। देखो यार हमें हवा में बात नहीं कर रहा, आप लोग कमेंट में लग रहा हो कि हवा में भैया बात कर रहा है कुछ भी चीज़, ऐसा नहीं है। आपका जो रिजल्ट है आपको कुछ देर के अंदर में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों अभी कुछ इनका लिंक अपडेट किया जा रहा है रिजल्ट का, जबकि रिजल्ट का सबसे पहले लिंक आएगा। पहले क्या होता था, एक लिस्ट बन जाता था, पूरा रिजल्ट का लिस्ट आता था, बट इस पर ऐसा नहीं हो रहा है। बारीकी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, जिन बच्चों का कम नंबर है वो अपना नॉर्मलाइजेशन चेक करते हो, जो बच्चे अगर आप लगाना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें तो वो भी दिख सकता है, प्रेस स्कोर दिख सकेगा, सब कुछ होगा। तो आपको पहले लिंक सेंड किया जाएगा, उसी लिंक को अपडेट किया जा रहा है ऑफिशियल साइट पर, ऑफिशियल साइट पर अभी तक अभी पब्लिश नहीं किया गया, तो वही लिंक अभी अपडेट किया जा रहा है, अभी वहाँ से स्टार्ट हो चुका है ये अपडेट होना। तो अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे को निकल के वो आपको सब शेयर कर रहा हूँ। तो जो लिंक है उसका अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, जो आपको देखने को मिलेगा, जिस लिंक से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ऑफिशियल साइट पर, लेकिन अभी तक बहुत बच्चों का कुछ अभी बाकी है, एक सेकंड में लगभग 12-13 बच्चों का हो जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो रहा है इस रिजल्ट का। और साथ में आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा कट ऑफ तो मैं बता दिया सब कुछ, वहाँ पर सब कुछ रहेगा आपका लिंक पर रिजल्ट पर। अब आपको रात में लगभग 12 से 1 बजे के बीच में लिंक को पब्लिश कर दिया जाएगा, और पब्लिश आपको ऑफिशियल साइट पर ही मिलेंगे, जहाँ मैं ऑफिशियल साइट खोला हूँ इधर लेटेस्ट न्यूज़ में ऊपर में देख सकते हो, इधर मैं ब्लू कलर से लिख के बताता हूँ यहाँ पर, तो इधर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ इधर ही लेटेस्ट न्यूज़ में रहेंगे आपका CRPF ट्रेसमेंट का, तो आप जाकर चेक कर लेना 12 बजे के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। कमेंट में जरूर करके बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहे थे। तो यही थी बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि आपका रिजल्ट जो है फाइनली आउट हो चुका है। और मैं कहे तो क्योंकि कुछ समय बाकी है, मात्र 4-5 घंटा ही बाकी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप लोग बेनिफिट रहिए चाहता हूँ, उसके वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जितना भी दोस्त फॉर्म पर अप्लाई किए होंगे ग्रुप होगा चारों तरफ शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग जो है यहाँ पर सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। बस यही वीडियो को एंड करते हैं, और कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलता है एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।